नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फूड ट्रक के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि लगभग कितनी कॉस्ट आपकी आ जाती है अगर आपको एक फूड ट्रक स्टार्ट करना है। कॉस्ट वेरिएबल हो सकती है क्योंकि कोई दिल्ली में है, कोई मुंबई में है, हम लोग इंडिया के अलग अलग सिटीज़ में हैं। पर आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा फिर भी कि किन चीज़ों को आपको कंसीडर करना चाहिए जब भी आप एक फूड ट्रक स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरी क्लाउड किचन की प्लेलिस्ट को जाके देखिएगा, जिसमें कि 100 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं जो कि आपको फूड बिजनेस की, स्पेशली क्लाउड किचन की या किसी भी प्रकार के टेक अवे रेस्टोरेंट्स की, मार्केटिंग के बारे में, हायरिंग के बारे में, मैन पावर के बारे में, लीगल डॉक्यूमेंट्स कैसे स्टार्टअप होते हैं, इन सब के बारे में आपको पता चलेगा। आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज एक ही जगह मिल जाएगी। तो चलिए टॉपिक पे वापस से आते हैं। जब भी आप एक फूड ट्रक स्टार्ट करने की सोचते हैं, तो सबसे पहला जो आपके मन में जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि मुझे कितने पैसे लग जाएंगे या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होगी इसके अंदर। ये सब बताऊं इससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जो टॉप 8 है हमारे इंडिया में फूड ट्रक्स कहाँ कहाँ पे हैं। और इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इवन 5-स्टार होटल्स भी फूड ट्रक का बिजनेस करते हैं। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। सबसे पहले टॉप अगर 8 फूड ट्रक्स की बात करें तो सबसे पहला हमारा है, जिसका नंबर आता है वो है हमारा सुपर शक्कर के नाम से है। ये हमारे दिल्ली NCR गुड़गांव में है। इसके बाद दूसरा है स्वाथ, जो कि बैंगलोर सिटी से है। इसके बाद है मुंबई रोलिंग किचन के नाम से, जो कि मुंबई में ही है, ऑब्वियसली मुंबई रोलिंग किचन इसका नाम है। इसके अलावा जो चौथे नंबर पे आता है वो है हमारा TGIF कोलकाता। 5वें नंबर पे हमारा है चस्का, चेन्नई में है, जो कि हमारा। उसके बाद है छठा द ललित जो होटल्स हमारे ललित होटल्स हैं जयपुर के, वहाँ पे उनका जो ये फूड ट्रक है वो 6 नंबर पे आता है हमारे इंडिया में फेमस फूड ट्रक्स में। उसके बाद 7वें नंबर पे है हमारा देसी फिरंगी फूड ट्रक, जो कि हमारे चंडीगढ़ में है। इसके बाद हमारे 8वें नंबर पर आता है हमारा हंग्री हैंड्स, जो कि हमारे कोलकाता में है। तो ये टॉप 8 हमारे जो कि फूड ट्रक हैं जो कि इंडिया में हैं, उनके सिटीज़ का भी नाम मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा 2 5-स्टार होटल हैं, जो कि सबसे पहला हमारा मैरिट्स होटल है, जिनका कि खुद के फूड ट्रक के वेंचर है, जिसका कि नाम है मैरिट्स ऑन द व्हील, जो कि मोबाइल वैन है, खाना हमारे उनके ही प्रमाइसेस में या अलग अलग जगह पे जाके खाना सेल करती है। उसके अलावा द ललित फूड ट्रक कंपनी, जो ललित ललित होटल्स है, 5-स्टार ललित होटल है, इवन आपके इंडिया के हर सिटीज़ में आपको मिल जाएंगे ललित होटल्स। वहाँ उनकी भी जो एक वेंचर है जिनका कि नाम उन्होंने द ललित फूड ट्रक दिया है। तो ये 2 मेजर जो 5-स्टार होटल्स है फूड ट्रक्स में काम कर रहे हैं। बाकी जो ये मैंने आपको बाकी जो 8 मेजर या आप बोल दीजिए टॉप 8 फूड ट्रक्स के बारे में बताया जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप भी चाहें तो आप भी अपना एक फूड ट्रक स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है वो डिपेंड करती है कम्प्लीटली आपके बजट के ऊपर और कम्प्लीटली आपके सिटी के ऊपर, आपकी सिटी में है। अब ये 3 से 4 लाख भी हो सकती है, और वहीं अगर आप कुछ हाई फाई एंड पे देख रहे हैं या उससे भी अच्छा देख रहे हैं तो वो हमारी 8 से 10 लाख तक भी जा सकती है। पर टोटली डिपेंड हो सकता है, 3 से 4 लाख में कह रहा हूँ, हो सकता है कि इससे भी कम में बन जाए या इससे भी आपको ज़्यादा लगे। तो आपको क्या क्या चीज़ कंसिडर करनी है वही इस वीडियो का मेन जो कि एम है, मेन लक्ष्य है कि आपको पता लग पाए। सबसे पहले यहाँ जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है वो होती है हमारे व्हीकल में। व्हीकल से मेरा मतलब है कि आप वैन ले रहे हो, क्योंकि यहाँ वैन ट्रक, इवन अगर आप मेरी एक पुरानी फूड ट्रक की वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा किस प्रकार से एक पुरानी वैन का पीछे का पूरे हम लोग अगर हम लोग पूरा स्ट्रक्चर निकाल के वहाँ पे एक जो कि हमारे एक खुद का एक स्ट्रक्चर हम लोग बिल्ड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको किस तरीके का फूड ट्रक चाहिए, या आप चाहते हैं कि फूड ट्रक कुछ चले ना, सिर्फ एक जगह ही खड़े हो जाए, तो इवन अगर उसके अंदर इंजन भी नहीं होगा तो आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका फूड ट्रक मोबाइल वैन की तरह काम करे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से कहीं और जाए, तो वहां पे आपको थोड़ा पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। तो सबसे पहली बात हमारी यहाँ व्हीकल पे आती है, और व्हीकल को अगर हमें उसका स्ट्रक्चर चेंज करना है तो उसके ऊपर बात आती है। दूसरा यहाँ बात आती है हमारे इक्विपमेंट की। जब भी आप फूड ट्रक लेंगे तो आपको सारे इक्विपमेंट उसके अंदर इंस्टॉल करवाने पड़ेंगे, या आपको रेडीमेड फूड ट्रक भी मिल जाएंगे। तो जो इसके अंदर के इक्विपमेंट्स आते हैं वो लगभग 1.5 से 2 लाख होते के तक के आ जाते हैं। इवन आपको कुछ बाहर के इक्विपमेंट जैसे कि चेयर्स होगी, टेबल्स होगी, आपको वो भी लेनी पड़ती है, तो वो भी आपको इसमें इंक्लूड करना पड़ता है। इक्विपमेंट्स की बात करें तो मेजर इसमें आप
आपके जो अंदर टेबल्स होती हैं, कुकिंग रेंजेस होती हैं, आपके फ्रिजेस हो सकते हैं, फ्रीजर्स हो सकते हैं, डस्टबिन हो गया, आपके गैस सिलेंडर हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपके इक्विपमेंट के अंदर आती हैं। आप ये चाहे तो सस्ते भी कर सकते हैं, अगर आप सिंपल चीज़ें लेना चाहें तो आप सिर्फ बर्नर्स के साथ भी काम कर सकते हैं और एक छोटा फ्रिज रख सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है आपको कितने के इक्विपमेंट लेने हैं, पर 1.5 लाख रुपये तक एक अच्छे सेटअप में आपके लग जाते हैं। इससे कम भी हो सकता है, पर मेरे ख्याल से 1.5 लाख काफ़ी अच्छा अमाउंट है यहाँ पे इस समय। इसके बाद जो तीसरी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है वो होती है हमारी, जब आपका फूड ट्रक चलने लग जाता है, क्योंकि जो पहली दो कॉस्ट में आपका सारा सेटअप रेडी हो जाता है, क्योंकि जब आप व्हीकल ले रहे हो आपका वहाँ पैसा खर्च हो जाता है, इक्विपमेंट भी खर्च हो जाता है, उसके बाद आपके जो लाइसेंसिंग वगैरह होते हैं उसमें आपका पैसा खर्च होता है, जो कि नॉर्मल जो हम लोग रेस्टोरेंट चला रहे हैं वहीं हमको सेम वही सारी चीज़ें लेनी पड़ती है। लाइसेंसेस क्या होते हैं उसके लिए मैं एक सेपरेट अलग से नेक्स्ट वीक फिर से एक वीडियो बना दूंगा, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा कि, क्योंकि ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए ही बना रहा हूँ क्योंकि इस पे बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं और लोगों को उत्सुकता है कि फूड ट्रक के बारे में जानने के लिए। तो यहीं जो मैं क्लाउड किचन की वीडियोस बनाता हूँ वहीं पे मैं थोड़ा सा विराम देके अब ये वीडियो भी स्टार्ट कर दी है। इसके बाद रॉ मटेरियल की बात आती है, जो भी आप बनाएंगे रॉ मटेरियल आपका लगेगा, जो भी दाल, आपकी सब्जी, अनाज, नॉन वेज, डेयरी, जो भी आपका लगेगा आपका वो कितना खर्चा हो जाएगा। तो फूड ट्रक में लगभग हमारा हमारा आप लगा लीजिए रोज का हमारा 2 से 2.5 हज़ार खर्च हो जाता है, या आप एक अप्रॉक्स अमाउंट लगा लीजिए तो आपका यहाँ पे लगभग 50 हज़ार आप एक महीने का लगा लीजिए। पर जब ये 50 हज़ार आप लोग खर्च कर रहे हैं तो इवन आपको इसका रिटर्न भी आ रहा है, तो 50 हज़ार आप खर्च करें तो मिनिमम आपको 1.5 से 2 लाख रुपये आना ही चाहिए। इसके बाद हमारी यहाँ बात करेंगे हम लोग सॉफ्टवेयर की, बिलिंग सॉफ्टवेयर आपको लेना पड़ता है जो कि कॉस्ट होती है आपकी। आप चाहे तो किसी भी बिना बिलिंग सॉफ्टवेयर के काम कर सकते हैं, या आप एक सस्ते वाले भी बिलिंग सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि आपके साल भर के 10 हज़ार रुपये भी लेते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर थोड़े महंगे हैं जो कि आपको 25 से 30 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं पर ईयर के, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा आपकी जो स्टाफ की सैलरीज होती है वो आपको देनी पड़ती है, मिनिमम आपको 2 बंदे तो लगेंगे ही लगेंगे, थोड़ा काम चल पड़ता है तो आप यहाँ 2 से 3 या फिर उसके बाद 4 स्टाफ भी रख सकते हैं। इसके बाद लास्ट में आता है आपका जो पैसा खर्च होता है आपकी मार्केटिंग के ऊपर। अभी जो मार्केटिंग करेंगे आप यहाँ पे आपकी डिजिटल और फिजिकल दोनों मार्केटिंग होगी। डिजिटल से मेरा मतलब है कि आपकी फेसबुक में, आपके इंस्टाग्राम में, आपकी वेबसाइट में, आपके ऐप में, ये सारे पैसे आप खर्च करते हो। शुरुआत में आप लोग फ्री में कर सकते हो, आपको आप मेरे मैं भी सिखाता हूँ, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोज़ देखोगे तो आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता चल जाएगा, स्पेशली रेस्टोरेंट्स की, क्लाउड किचन की, या किसी भी फूड बिजनेस की, या फिर आप फिजिकली मार्केटिंग भी आपको करनी पड़ती है। फिजिकल मार्केटिंग से मेरा मतलब है यहाँ अपने पॉम्पलेट्स बांट रहे हो, लोगों को अपने पास अपने अपने फूड ट्रक पे बुला रहे हो, उनसे कनेक्ट कर पा रहे हो, तो ये सारी हमारे फिजिकल मार्केटिंग का पार्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो कॉस्ट होती है इन्वॉल्व हो जाती है जब भी आप एक फूड ट्रक स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यही सारी कॉस्ट आप इन्वॉल्व कर लें तो लगभग 3 लाख करीब तो आपका लग ही जाता है एक छोटा सा आपका एक जो भी एक फूड ट्रक सेटअप करने के लिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं आप मेन्यूज़ क्या रखेंगे, कैसे रखेंगे, या किसी भी प्रकार के फूड ट्रक को कम्प्लीटली A to Z शुरू करने से लेके एकदम आपके रेडी सेटअप तक अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं वहाँ भी आपकी हेल्प कर दूंगा। मेरे जो कोर्सेज़ आप ले सकते हैं और आपको वो सारी गाइडेंस मैं वहाँ पर देने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, आप मुझे नीचे लिख सकते हैं या डायरेक्ट आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।